हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर रुचिका गर्ग। आज हम बात करेंगे गर्भ में अगर उल्टा बच्चा हो यानी ब्रीच पोजीशन हो तो उसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, और अगर है तो उसके क्या डेंजर्स और क्या खतरे हो सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें उल्टा बच्चा आया है तो सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो इसमें कब तक हमें चिंता होनी चाहिए, कब चिंता नहीं होनी चाहिए? तो बीच प्रेजेंटेशन अगर हम प्री टर्म में कराएंगे, यानी कि 37 वीक्स को, 37 हफ्तों को हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि जब तक बच्चा पूरा परिपक्व हो जाता है। तो प्री टर्म में ब्रीच का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, और टर्म प्रेगनेंसी यानी 37 हफ्ते के बाद ब्रीच का जो इंसिडेंस है वो सिर्फ 3% है, यानी कि 100 में से 3 डिलीवरीज, 3 प्रेगनेंसीज में ब्रीच हो सकता है। तो क्या कारण है, पहले तो हम ये जानते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन के। तो जो कारण है, या तो फीटस में हो सकते हैं या मदर में। तो फीटस में या तो हाइड्रोकेफेलस है, यानी कि सिर में पानी भरा हुआ है, या फिर उस केस में नीचे उतनी जगह नहीं होती है कि हेड ठीक से फिक्स हो पाए, तो उस केस में बच्चा हेड को ऊपर जगह मिल जाती है तो वो ऊपर उसकी ब्रीच प्रेजेंटेशन हो जाता है। दूसरा है या एनेनकेफेली है, बच्चे का हेड ही नहीं है, क्रेनियम ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, तो उस केस में वो बेबी रोटेट होता रहता है, तो या तो वो फेस प्रेजेंटेशन होगा, फेस से बाहर आएगा, या फिर ब्रीच हो सकता है। या फिर मदर में कुछ कॉन्जेनाइटल यूट्रस में अबनॉर्मेलिटी हो, जैसे कि उसका यूट्रस में झिल्ली हो, सेप्टेट यूट्रस हो, या फिर बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो, या कभी कभी प्लेसेंटा का अटैचमेंट कॉर्नुओ फंडल हो, उससे भी ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ लाइकर कम होने की वजह से या लाइकर ज़्यादा होने की वजह से। जब पानी जो है बच्चे के आसपास बहुत ज़्यादा होता है तो फिर बच्चा स्टेबल नहीं रह पाता है, तो वो एक जगह हाइड्रेमन्यूज जिसे हम कहते हैं, या पॉलीहाइड्रेमन्यूज, तो वो बच्चा फिर नीचे की तरफ फिक्स नहीं हो पाता सिर उसका, तो फिर वो बीच प्रेजेंटेशन हो सकता है, वो घूमता रहता है। या फिर कम पानी है तो बेबी को घूमने के लिए जगह ही नहीं मिली, पानी ही नहीं मिला। तो जो हम कहते हैं कि 36 हफ्ते तक बच्चे की पोजीशन स्टेबल हो जाती है क्योंकि सिर कंपैरेटिवली ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है, तो पानी कम है तो लास्ट के दिनों में बच्चा रोटेट ही नहीं हो पाया, तो वो या तो आड़ा या उल्टा बच्चा रह जाता है, यानी कि सिर ऊपर और पैर नीचे हो सकते हैं। या फिर है कि मल्टी पैरा है, जिसकी अब्डोमिनल वॉल लैक्स है, यानी कि जिसके बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, तो उनकी पेट की जो चर्बी है, जो अब्डोमिनल वॉल है, वो काफ़ी ढीली हो सकती है, उसकी वजह से भी ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो या फिर फीटस में कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं, या क्रेनियल स्पाइन में कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उनकी वजह से भी उल्टा बच्चा हो सकता है। या फिर नीचे की तरफ फाइब्रॉइड है या प्लेसेंटा है, तो नीचे की तरफ कोई रसौली है यूट्रस में, तो फिर बच्चे के हेड को नीचे होने में आसानी नहीं हो पाती, तो वो ऊपर, हेड ऊपर आ जाता है और पैर नीचे आ सकते हैं। या फिर नीचे की तरफ प्लेसेंटा है, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, तो उस पोजीशन में भी ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है।